नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान बाय रितेश इसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हिकविजन सीसीटीवी कैमरा कैसे इंस्टॉल करेंगे फुल सेटअप। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैमरा लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक वायर। ये रहा सीसीटीवी कैमरा का वायर जो 3+1 का होता है, और एक ये VNC कोड। ये कैमरे में कम से कम ये कैमरे में 2 VNC कोड लगते हैं और 1 पावर कोड लगते हैं। ये पावर कोड हुआ, ये VNC कोड हुआ, और ये हुआ आपका पावर सप्लाई। ये चार चैनल का DVR में लगा रहा हूँ, ये इसीलिए चार चैनल का आपका पावर सप्लाई हुआ। और ये दोनों कैमरा हुए आपका CCTV कैमरा का। ये हुआ आपका बुलेट कैमरा और ये हुआ आपका ड्रोन कैमरा, देख पा रहे हैं आप। और ये आपका DVR हो गया दोस्तों, और ये इसका माउस है, और ये आपका साटा केबल, देख पा रहे हैं, ये इसका साटा केबल हो गया। और ये आपका साटा पावर केबल हो गया। ये सारे चीज़ें आपको CCTV कैमरा लगाने के लिए चाहिए। और भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये हार्ड डिस्क, जिसमें आपका ये सारा डेटा जो है, सारा वीडियो डाउनलोड होगा जो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। ये हार्ड डिस्क है, सर्वलन हार्ड डिस्क 500 GB का। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों, ये हार्ड डिस्क है 500 GB का, WD का, सबसे अच्छी कंपनी माना जाता है ये तो मोस्ट है। और अगर आप अपने कैमरे में माइक लगाना चाहते हैं तो ये इसका माइक है। और दोस्तों, ये हो गए सामान जो आपको CP+ कैमरे में लगाने के लिए चाहिए। और इसमें औजार की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, ये आपको एक पेचकस होना चाहिए इस टाइप का, एक इस तरह का कटर होना चाहिए आपके पास, और एक प्लास, और एक सेलो टेप। सबसे पहले मैं ये CCTV कैमरा का वायर को छील लेता हूँ। देख सकते हैं, ये कवर छीलने के बाद एक पंडित मिलेगा, उसके लिए निकाल देना है। ये रहा आपका VNC वायर, और ये रहा आपका कैमरा का पावर के लिए लाल काला वायर, और ये रहा माइक वायर। चलिए, इसमें सबसे पहले हम VNC कोड लगाते हैं। तो कोड लगाने के लिए ये वायर को भी छीलना पड़ेगा हमें। देखिए, ये लगभग 30 के वायर की तरह ही होता है। ये इसका ग्राउंड हो गया, यानी नेगेटिव हो गया ये इसका, इससे साइड कर लेंगे। साइड करके इस हिसाब से इसको मोड़ेंगे, इस हिसाब से इसको मोड़ देंगे ताकि वायर इसमें अच्छे से जॉइंट हो जाए। और ये वाइट वाला जो है वायर के बीच में, इसे भी छीलेंगे। इसके अंदर ये मोटा एक कॉपर वायर निकलेगा। ये हो गया तार का पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव साइड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये तार को मैंने छील लिया है, इसे मैं साइड में रखता हूँ। अब मैं ये VNC कोड है जो मैं बता चुका हूँ आपको, अब मैं इसे छीलूँगा। इसे भी हल्के हाथ से कटर से इसके ऊपर कवर को छील लिए। अब इसमें 2 वायर हैं, एक ये लाल वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों को वायर को छील लेंगे VNC कोड जोड़ने के लिए वायर में। ये मैंने छील लिया है, इसे भी इस हिसाब से फोल्ड करके तार को बराबर कर लेंगे। तो ये मैंने इसको इस हिसाब से मोड़ दिया तार को, और ये VNC कोड के इस वाले वायर में मैं वाइट वायर को, यानी कि नेगेटिव को जोड़ूंगा।
तो इसे आप जनरली कैसे भी लगाते हैं नहीं पता, पर इसे आप इस हिसाब से लगा सकते हैं या अपने तरीक़ा से अच्छे से इसको बस आपको मोड़ना है, ये अच्छे से इसमें जॉइंट हो जाना चाहिए। ये जुड़ गया है, अब ये पॉजिटिव वायर को मैं इसके पॉजिटिव से जुड़ूंगा, अब मैं इसे भी अच्छी तरह से फोल्ड कर देता हूँ तार को। तार दोस्तों ये लूज नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे इस तार में टेप मारूंगा। दोस्तों एक छोर दाएं होना चाहिए तो एक छोर बाएं, इस हिसाब से फिर टेप मारें ताकि दोनों वायर एक दूसरे में सटे नहीं। अब दोस्तों मैं इसमें टेप मार देता हूँ। इसमें मैंने टेप मार दिया है, ये आपका बीएनसी कोड लग चुका है। अब मैं इसमें बीएनसी का पावर कोड वायर लगाऊंगा। मैं पावर कोड लगाऊंगा इस वायर में, ये इसका पॉजिटिव है, इसे भी छीन लेता हूँ। और ये इसका नेगेटिव है, ये काला तार, इसे भी छीन लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं इसके पावर कोड को भी छीलता हूँ, ये इसका पावर कोड है। ये मैं छीन लिया, इसमें भी सेम कंडीशन है, ये पावर है, ये प्लस है, ये माइनस है, और दोनों को छील लें अच्छी तरह से। ये मैंने दोनों को छील लिया है, अब इसे वायर को मैं मोड़ देता हूँ। और बीएनसी के ये पावर कोड का मैं इस वाइट वाला इसमें ये माइनस है, ये ब्लैक वाला ये माइनस है तार का, ये मैं दोनों को मोड़ लेता हूँ, इसमें ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर लिया, और इसके पॉजिटिव को पावर कोड का ऐसे पॉजिटिव को पावर कोड का मैं जोड़ूंगा, ये मैंने जोड़ लिया है। दोस्तों अब मैं इसमें वायर मारूंगा, एक दाएं साइड होना चाहिए, एक वायर बाएं साइड में, ताकि एक दूसरे से वो सटे ना, इस हिसाब से इसको टेपिंग करेंगे। ये आपका बीएनसी पावर लग चुका है। अब ये बीएनसी पावर को हम कहाँ लगाएंगे, तो ये बीएनसी पावर लगेंगे आपके कैमरे में। आप बुलेट कैमरा भी ले सकते हैं या ड्रोन कैमरा भी लगा ले सकते हैं। तो मैं अभी एक कैमरे का ही कनेक्शन करूँगा, इसलिए मैं एक बुलेट कैमरा लेता हूँ। तो ये आपके बुलेट कैमरा में भी इस हिसाब का खर्चा रहेंगे। ये पावर कोड के लिए है, ये पावर कोड इसमें लगेंगे, और ये बीएनसी कोड आपको इसमें लगाना है, समझ गए। अब मैं ये वायर में जो मैंने बीएनसी कोड लगाया है, और कैमरे के ये जो प्लग है बीएनसी का, वो मैं इसमें इस हिसाब से डालूँगा। देखिए इसका खाँचा बना हुआ है, उसमें डाल के फिर ऐसे देखिए इसको ऐसे लॉक कर देंगे, ये हो गया। और ये पावर कोड का, ये मैं कैमरे के पावर कोड का प्लग में इस हिसाब से जोड़ दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप इसमें टेप भी मार सकते हैं। अब दोस्तों वायर का दूसरा सिरा में भी सेम ही तार निकलेगा,
इसको सेम ही तार निकलेगा ये, जो कि आपके डीवीआर में जाएगी। तो इसे थोड़ा बड़ा छीलना है वायर को, अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लें आपको, जिसमें कि आपको पावर सप्लाई में और ये वीएनसी इसका जो है डीवीआर में लगेंगे। तो ये आप अपने अनुभव के हिसाब से इसको छील लें। मैं लगभग एक बित्ता का इसे छील रहा हूँ। इसके ऊपर एक पन्नी है, पन्नी है, फिर आप छील कर ये कर दें। दोस्तों देख सकते हैं इसमें भी सेम वायर है, दूसरे सिरे में भी, ये वीएनसी के लिए और दो ये आपका ये चला जाएगा, ये दूसरा साइड चला जाएगा ये पावर सप्लाई में, और ये कैमरा के लिए कैमरा पोर्ट में। तो मैं सबसे पहले इसमें वीएनसी लगा देता हूँ। सेम प्रोसेस है दोस्तों, ग्राउंड को अलग कर लें, इसे मोड़ लें, इस हिसाब से इसमें आपको वायर को जोड़ना है, फिर वीएनसी का ये प्लस पॉइंट को भी छील लें। देखिए दोस्तों इसका भी कॉपर सेम निकला है। अब मैं इसके वीएनसी का भी वीएनसी कोड को भी छील लेता हूँ। दोस्तों ये वीएनसी कोड मैंने छील लिया है, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट। अब मैं इस वायर में इस प्लस वायर को इस वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें ये लगा दिया है। अब इसे अच्छे तरह से ये जोड़ लीजिए, ये लूज नहीं होना चाहिए। और ये माइनस को, इस वाइट वाले तार को माइनस को माइनस में ये फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों वायर कनेक्शन में ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि कैमरा में लगाने में कुछ नहीं है, मेन इसका काम वायर का ही है। तो वायर में अच्छी तरह से ध्यान दें। देखिए दोस्तों इस हिसाब से हमें टेप मार देना है कि ये एक दूसरे से सटे नहीं। अब मैं इसमें टेप मारने जा रहा हूँ। तो मैं इसमें टेप मारने जा रहा हूँ। ये मैंने वीएनसी कोड में टेप मार लिया है। अब दोस्तों इसमें तीन वायर जो बचे हुए हैं, इसमें मुझे पावर कोड नहीं लगाना है, इस ये पावर सप्लाई में ये तार चल जाएंगे, जितने भी कैमरे हैं ये सारे ये माइनस प्लस पावर सप्लाई में जाएंगे और ये माइक का पोर्ट में। तो इसे फिलहाल मुझे मैं तीनों तार को ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं इस तार को छील लेता हूँ, ये काला वायर। ये माइक वायर और ये लाल वायर प्लस पॉजिटिव। अब मैं इसे इस हिसाब से फोल्ड कर लूँगा। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इधर का तो कनेक्शन आपको पता चल गया होगा कि ये कैमरा में ये वीएनसी पावर कोड लगा है, इधर का ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये दोनों जो है पावर कोड, ये पावर कोड का जो तार है ये जाएगा आपको पावर सप्लाई में, एसएमपीएस पावर सप्लाई में, जो मैं बता चुका हूँ कि मैंने चार चैनल का लिया हुआ है। अब ये लाल वायर जो है अब मैं इसके पॉजिटिव में पावर सप्लाई के पॉजिटिव में जुड़ूंगा, पॉजिटिव डीसी में जुड़ूंगा, जो कि पर कैमरा को 12 वोल्ट 2 एम्पीयर देता है। और ये काला वायर इसके नेगेटिव में जुड़ूंगा, अब मैं इसमें टेप मार देता हूँ। दोस्तों टेप इस हिसाब से मारिए कि वो एक दूसरे में सटे नहीं। दोस्तों ये मैंने तार में टेप मार लिया है। चलिए दोस्तों अब मैं डीवीआर चार चैनल में हार्ड डिस्क लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके सारे स्क्रू को, ये देखते हैं ये चार स्क्रू है आपको, सबसे पीछे में यहाँ यहाँ और
यहाँ यहाँ इधर वो खोल लीजिए। मैं स्क्रू खोलना शुरू करता हूँ, पीछे स्क्रू लगेंगे। ये मैं सारा स्क्रू खोल लिया, इसके ढक्कन को कवर पे ये आराम से इसको खोल लें। ये दोस्तों ये अंदर का भाग है आपके डीवीआर का। देखिए दोस्तों ये डीवीआर अंदर से ऐसा दिखता है। तो आपको सबसे पहले ये साटा पावर केबल ले लेना है और हार्ड डिस्क को उठाना है। हार्ड डिस्क के इधर देखिए सर, देखिएगा भाई जी, ये आपका दो पोर्ट बने हुए हैं। ये साटा केबल जो है ये छोटा वाला पोर्ट में लगेगा, इसके माइनस ये देख लीजिएगा इसमें खांचा बना हुआ है कि कैसे लगेगा। तो ये देखिए इसमें खांचा बना हुआ है, खांचा को आपको मिला लेना है। ये जो पिन है सिल्वर कलर की स्टील की, ये पिन ऊपर रहेगा, आपको याद रखिएगा। इसको दाबना है और इसे बस उसमें पुश कर देना है हल्के हाथ से। और ये पावर साटा का पावर केबल भी, ये जो ब्लैक साइड है ये वाला आपका, ये इसमें भी ये खांचा बना हुआ है, तो इसमें खांचा के हिसाब से इसको देख लीजिए, इसको लगा देना है बस। ये आराम से ये इसमें लग चुकी है। अब इसको डीवीआर के ऊपर रखना है और ये जो पॉइंट है आपका, ये पावर साटा का पावर केबल, इसमें देखिए दोस्तों इस टाइप का ये दिया हुआ है जो दाब के इसमें फंसा सकते हैं। ये दोस्तों देखिए ये आपका बाहर की साइड में रहेगा, ये इस हिसाब से लगेगा आपका, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये इसमें ये लगेगी इस हिसाब से, देखिए दोस्तों ये आराम से लग चुकी है। और ये साटा केबल भी देखिए दोस्तों, ये स्टील का जो कवर है ये अंदर रहेगा, आपको इस हिसाब से लगेगा, देख लीजिए इस हिसाब से इस खांचा में जाकर ये सेट हो जाएगा। इसको दाब पर बस लगा देना है, ये सेट होकर भी हो गया दोस्तों। अब ये मुझे पलट कर इसकी देखिए, ये जो खांचे देख रहे हैं आप, ये स्क्रूप लगाने के लिए दिए हैं। तो ये हार्ड डिस्क में आपको वो छेद को मिला लेना है, चारों छेद को। ये देखो दोस्तों मैंने चारों छेद को मिला लिया है, आपको कैमरे में दिख नहीं रहा पर मैंने ये चारों छेद को मिला लिया। अब मैं इस मेरे पास इसके चार स्क्रूप होते हैं, पर मेरे पास फिलहाल तो इसके दो स्क्रूप है, दो स्क्रूप हो गया, पर आपको चारों लगाने हैं। ये मैं स्क्रूप क्रॉस करके ये मार देता हूँ। ये मैंने हार्ड डिस्क इसको इसमें फिट कर लिया है, अब मुझे इसको कस देना है बस। ये मैंने इसको कस लिया है, अब मैं इसको ने मैं बस एक स्क्रू मार दूंगा क्योंकि मेरे पास दो ही हैं। अब मैंने ये दूसरा स्क्रू भी कस लिया है,
बस आपके साथ जो ऐसा हो कि आपके पास दो स्क्रूप है, दो स्क्रूप हरा गए हैं, तो बस ये कोना कोनी बस मार दें। अगर चारों है तो ये चारों में मारें, ठीक है। ये हार्ड डिस्क मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये कंप्लीट हुआ। अब मैं इसे पैक करने जा रहा हूँ। भाई मैंने ये नट कस दिया है इसके टीपीआर को, मैंने इसे पैक कर लिया है। नट वाले वीडियो को मैंने कट कर दिया है भाई, ताकि आप वो बोर ना हो जाओ। और मैं ये डीपली इसे विस्तार से वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि आपको करना क्या है। मैं अगर शॉर्टकट में वीडियो बनाऊंगा तो ये आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आप बार बार अलग अलग वीडियो देखेंगे। उससे अच्छा है कि एक ही वीडियो अच्छा से देखो, ताकि आप समझ जाओ कि आपको कैसे लगाना है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैमरा का तो कनेक्शन मैंने कर दिया, एक वीएनसी एक पावर, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, इसे साइड में रखते हैं। और ये इसका तार का दूसरा सिरा जो है, मैंने इसमें एक वीएनसी कोड लगाया है, और जिसका जो पावर कोड था, पावर केबल का जो है कनेक्शन, मैंने ये पावर सप्लाई, ये चार चैनल का डीबीआर है, इसलिए चार चैनल का पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई मैंने लिया है। इसमें मैंने कनेक्शन ये नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए हैं। ये पावर सप्लाई भी आपको कैमरा को 12 वोल्ट 2 एम्पीयर देगी, जिससे IR LED आपको जलेगी और कैमरा भी काम करेगा। ये यहाँ तक दोस्तों क्लियर है, आप समझ चुके हैं। और ये VNC कोड यहाँ देखिए, ये पावर के लिए VNC के लिए चार पोर्ट बने हुए हैं, कम से कम चार चैनल की DVR आती है इसमें से, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। मैं एक ही कैमरा लगा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ। आप ये पोर्ट मैं चैनल वन पे लगाऊंगा। चैनल वन ये है, इसमें लिखा हुआ रहता है ये साइड में आपका चैनल 1 2 3 4। तो मैं इसमें ये कोड को लगा दिया हूँ। देखिए आप इसको, इसमें खांचा बना घुसा कर, बस आपको ऐसे लॉक कर देना, बस ये कंप्लीट हुआ। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, ये सेटअप यहाँ तक हो चुका है। दोस्तों मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, यहाँ पर DVR इंस्टॉलिंग हो चुका है, पावर सप्लाई लग चुका है, VNC कोड मैंने लगा लिया है। और आप देख रहे हैं कि ये एक वायर है, ये वायर आपका माइक के लिए है, जो आपका माइक के लिए मैंने एक ऐसा कोड लिया हुआ है जो मेरे DVR में जाएगा। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। भाई ये मैंने माइक का कनेक्शन कर लिया है। अब मैं इसमें टेप मार लेता हूँ, ये माइक के कनेक्शन में मैं ये टेप मार लेता हूँ। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि इसमें माइक में जो ये कनेक्टर लगेगा, बस एक ही पॉइंट का कनेक्शन देना है, ये बीच वाला का सिर्फ। इसमें देखिए दो वायर निकले हुए हैं, पर मुझे ये जो नेगेटिव है ग्राउंड का नहीं देना है, सिर्फ ये बीच वाले पॉइंट का जो ये तार निकला हुआ, इसी में हमें कनेक्शन देना है इसका। और ये टेप मैं मार रहा हूँ। ये कंप्लीट हुआ। अब मैं इसमें ये पावर सप्लाई लगाऊंगा DVR में, ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का आता है पावर सप्लाई। ये चले जाएंगे DVR के 12 वोल्ट सप्लाई में। ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये मैंने लगा दिया। और आपके LED या मॉनिटर से आपके पास जो HDMI आएगी, उसे भी मैं HDMI पोर्ट में लगा दूंगा DVR के जो यहाँ पे है। अगर आपके पास BGA कोड है, अगर BGA मॉनिटर है, तो आप BGA टू BGA। भाई लगभग सारा सेटअप हो चुका है,
ये मैंने पोर्ट वन पे ये वीएनसी पोर्ट भी लगा दिया है। ये आपका माइक का कोड है, तो देखिए आप माइक इन में से लगा देना है। और दोस्तों ये माउस भी कंप्लीट है, पावर सप्लाई भी कंप्लीट है, हार्ड डिस्क भी कंप्लीट है, टीवी भी कंप्लीट है। यार सारा चीज़ मैंने लगा दिया है। और आपके मैं कैमरा एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका मैंने कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। तो आपने सब चीज़ देख लिया, आपने इसमें सारे पावर सप्लाई में, एडेप्टर में और टीवी में सब में मैं लाइन दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपका कैमरा आप देख सकते हैं, ये साइड में आपका कैमरा आ चुका है। ये मैं इसमें बड़ा कर देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि आपका ये कैमरा दिखाई पड़ रहा है, ये कैमरा का फोटेज आ चुका है आपका। तो मैं थोड़ी लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए दोस्तों, ये सारा सेटअप आपका कंप्लीट हुआ। आपने सीखा कि कैमरा इंस्टॉल कैसे करेंगे हिकविजन का। दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि DVR का जो बाकी का सेटअप होता है वो कैसे करेंगे, ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ये सारे चीज़ आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।